हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स। हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एग्जांपल दिखाया था, जिसमें हमने 6th आइडेंटिटी का यूज किया था। बट मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है स्टूडेंट्स की कि हमसे जो अपॉन में डिजिट्स होते हैं या रूट में जो डिजिट्स होते हैं उनका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। सो आप प्लीज एक वीडियो बना दीजिए उस पर। सो मैंने आज क्वेश्चन नंबर 8 का ही एक फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन लिया है, फिफ्थ नंबर की पॉलिनोमियल इक्वेशन ली। उसमें आप देख सकते हैं कि एक तो माइनस टर्म्स है, दैट मीन्स हम इसमें 7th आइडेंटिटी का यूज करेंगे जैसा कि मैंने कल भी बताया था। और दूसरी चीज, इसमें फ्रैक्शन में भी नंबर्स है, जो वेरिएबल्स है वो फ्रैक्शन में भी है, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे आज। सो क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस है, दैट मीन्स हम यहाँ पर 6th आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो केवल पॉजिटिव टर्म्स के लिए। अब हमें यहाँ पर 7th आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, और 7th आइडेंटिटी है x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अगेन, क्योंकि जैसे ही हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है हम कंपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम वेरिएबल्स में वैल्यू पुट कर सके। तो हमारी आइडेंटिटी की फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है x क्यूब, जिसे हम अपनी पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। सेकेंड टर्म है y क्यूब, जिसे हम अपने पॉलिनोमियल की सेकेंड टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। देन हमें x और y की वैल्यू मिलेगी और फिर हम आइडेंटिटी में उसे पुट करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग, ये हमारी आइडेंटिटी की फर्स्ट टर्म, ये हमारे पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27p³। अगर हम क्यूब को ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड में, तो वो ट्रांसपोज होके क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 27 का क्यूब रूट निकालना है एंड p का क्यूब रूट निकालना है। तो 27 का क्यूब रूट आपको पता ही होगा 3 होता है, और p का क्यूब रूट p होगा, तो 3p का होल क्यूब। अब ये क्यूब और बाहर वाला क्यूब कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 3p। उसी तरह y क्यूब इज इक्वल टू 1/216, ये हमारी सेकेंड टर्म थी, ये हमारी आइडेंटिटी की सेकेंड टर्म थी। अगेन हम इस क्यूब को ट्रांसपोज करवाएंगे राइट हैंड साइड में, जो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें 1 का क्यूब रूट निकालना हो, फोर्थ रूट निकालना हो, फिफ्थ रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 हमेशा रूट के बाहर ही रहता है, 1 का क्यूब रूट का आंसर हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें 216 का क्यूब रूट निकालना है, तो मैं आपको बता दूं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे नॉर्मली आप एलसीएम करना कहते हैं, लाइक दिस, ऐसा करके आप पता कर सकते हैं कि 216 का क्यूब रूट 6 होता है। सो 216 का क्यूब रूट 6 होता है, तो हम इस पूरी टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब। तो दिस क्यूब कैंसल्स दिस क्यूब, बाहर वाले क्यूब को अंदर वाला क्यूब कैंसिल कर देगा, एंड वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/6। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज को इस 7th आइडेंटिटी में पुट करना है। जहां जहां पर भी x होगा हम वहां पर 3p पुट करेंगे, और जहां पर भी y होगा वहां पर हम 1/6 पुट करेंगे। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द आइडेंटिटी, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ पैटर्न इन अवर इक्वेशन। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें कुछ ये पैटर्न देखने को मिलेगा अपने इक्वेशन में। x की जगह हमने 3p रखा है एंड y की जगह हमने 1/6 रखा है, अदरवाइज पावर्स सब कुछ सेम ही है। जहां x में स्क्वायर लगना है वहां 3p में स्क्वायर लगा, जहां y में स्क्वायर लगाना है वहां 1/6 में स्क्वायर लगा। आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी की पावर नोटेशन से, एक्सपोनेंट से। तो ये हमने अभी सिर्फ वैल्यू पुट करी है। नाउ अगर हम सॉल्यूशन देखें तो 3 का क्यूब होता है 27, एस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। पी क्यूब हमें एज इट इज मिल जाएगा, माइनस 1 हमें एज इट इज मिलेगा, 6 क्यूब होता है 216, माइनस 3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर होता है 9, p का स्क्वायर होगा p स्क्वायर, एंड 1/6 एज इट इज। नाउ आई शो यू दैट 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, यहां कुछ कैंसिलेबल था तो हमने कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिलेबल पॉसिबल नहीं होता है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में कैंसिल हो जाए टर्म्स, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते। अगेन इस टर्म में हम देखें 3 एज इट इज, सो 3 3s are 9, p हो गया, एंड 1/6, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, एंड 9 एंड 36 भी एक ही टेबल में आते हैं, दैट 9 1s are 9, 9 4s are 36। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स मिलने वाली है आफ्टर सॉल्यूशन, 27p³ - 1/216 माइनस 9, एंड 2 को हमने सिंपली फिगर आउट कर लिया है, दैट मीन्स 9/2 का फ्रैक्शन बना लिया एंड पी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज, प्लस उसी तरह हमने 1/4 का फ्रैक्शन फॉर्म बना लिया एंड p रिमेनिंग था, तो p हमारा कोफिशियंट एज इट इज। तो हम देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन का ही पॉलिनोमियल है, मतलब आफ्टर सॉल्यूशन हमें जो मिलता है
कि हमारे क्वेश्चन का ही पॉलिनोमियल है, और क्योंकि क्वेश्चन के पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू में हमें क्यूबिक फैक्टर मिला है, तो हम इसी ब्रैकेट को 3 times रिपीट कर देंगे और यही ब्रैकेट्स हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है। सो कल मैंने आपको 6th आइडेंटिटी के साथ बताया था, आज मैंने आपको 7th आइडेंटिटी के साथ बताया जिसमें भी फ्रैक्शन टर्म्स थी अवेलेबल। रिमेनिंग पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 8 के, वो आपको खुद करने हैं, और अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।